ईडी के विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की अदालत में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के माइनिंग घोटाले की राशि को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित नेताओं और नौकरशाहों का करीबी प्रेम प्रकाश उर्फ पीटी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विक्रांत सिन्हा ने कहा कि प्रार्थी मामले में निर्दोष है, उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं जिसकी वजह से उसे जेल में रखा जाए। बहस पूरी होने के बाद ईडी के वकील ने मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। प्रेम प्रकाश की ओर से याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई है। अवैध माइनिंग से जुड़े पंकज मिश्रा प्रकरण में अनुसंधान के दौरान ईडी ने 25 अगस्त को प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था, तभी से वह जेल में है। झारखंड हाई कोर्ट में दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार से अवकाश रहेगा, अब हाई कोर्ट 10 अक्टूबर को खुलेगा। रांची सिविल कोर्ट में दुर्गा पूजा, दीपावली, कोजागरा, चहलुम, काली पूजा, चित्रगुप्त पूजा एवं छठ पूजा को लेकर वार्षिक अवकाश घोषित हो गया है। वार्षिक अवकाश के बाद छठ के दूसरे दिन 1 नवंबर को कोर्ट सामान्य रूप से खुलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।